चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले कल देर शाम जम्मू से धर्मशाला पहुंची और आज सुबह धर्मशाला में चेस ओलंपियाड टॉर्च का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को ये टॉर्च रिले सौंपी गई। उल्लेखनीय है कि भारत में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक 44वें चेस ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। ये चेस ओलंपियाड टॉर्च 25 शहरों से गुजरती हुई महाबलिपुरम पहुंचेगी। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि चेस की शुरुआत भारत से हुई है और चेस ओलंपियाड का आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को पहली बार इसकी मेजबानी मिली है, जिससे लोगों में काफी उत्साह है। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि चेस ओलंपियाड में देश के उभरते हुए खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। जब से चेस ओलंपियाड शुरू हुआ लगभग 95 वर्ष हो गए, भारत को कभी इसका आयोजन करने का अवसर नहीं मिला। ये हमारा आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। जहां ये हमारे बड़ा वर्ष भी है, वहीं पर पहली बार चेस ओलंपियाड का आयोजन इस साल भारत में 28 जुलाई से होने वाला है। दुनिया भर के 188 देश और 2000 से ज्यादा खिलाड़ी, लगभग 1000 ऑफिशियल कहीं और नहीं, हमारे भारत में ही आने वाले हैं और एक बहुत बड़ा आयोजन 28 जुलाई से 10 अगस्त तक होगा। मैं बधाई देता हूं भरत जी आपको और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन को कि आपने देश भर के अलग अलग राज्यों के खिलाड़ियों को चुना है। जो उभरते हुए खिलाड़ी अपने राज्य से चुनकर चेस ओलंपियाड के दौरान बड़े खिलाड़ियों से मिलने का अवसर भी उनको मिलेगा, एक बहुत अच्छी शुरुआत है, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूँ। प्रदेश की युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया भी इस मौके मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी चेस को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। ये हिमाचल के अंदर एक प्राउड मोमेंट है और खास करके चेस प्रेमियों के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि हमारे बीच में इतनी बड़ी हस्तियां आज भारत सिंह चौहान जी, हमारे बीच में ग्रैंड मास्टर गुप्ता जी, ये सब लोग आज इस टॉर्च को लेकर यहाँ पे आए हैं और भारत के लिए बहुत बड़ा मोमेंट कि 28 जुलाई से जो है फर्स्ट एवर ओलंपिक जो है वो चेन्नई में भारत में मनाया जा रहा है, खेला जा रहा है, और जिसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे ग्रैंड मास्टर जो है हमारा झंडा ऊंचा करेंगे।